वीडियो में बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है और मैं उन सबको ये दूंगी लगाने के लिए ठंडक पहुंचाए। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बात करूंगी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो है हेटर्स। वो सिनेमा लवर्स नहीं है, वो हेट फैलाते हैं। उनसे देखा नहीं गया था कि पठान इतनी बड़ी 1000 करोड़+ ब्लॉकबस्टर कैसे बन गई थी, और उनसे अब ये भी नहीं देखा जा रहा है कि जवान का 48 आवर्स में ही इतना बड़ा एडवांस बुकिंग कैसे हो गया। इस वीडियो को एंड तक देखना तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि शाहरुख खान कौन है, क्यों उनको दुनिया के लोग प्यार करते हैं इरिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन। काफी हेटर्स कह रहे हैं कि जवान को इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग मिला है कॉर्पोरेट बुकिंग की वजह से। मेरा उनको आंसर ये है कि देख लो आंखें के कि हर एक बड़े से बड़ा एक्टर किसका फैन है। Yeah, I'm a fan of it. शाहरुख खान is my inspiration. What do you call it? Sharp, witty, genius. When I didn't even know I wanted to be an actor, तब शाहरुख सर को देखा कैलेंडर पे, and I love शाहरुख सर. बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान अवर्गल. Special care, special, especially शाहरुख सर. Nobody will believe it. They'll think it's a story. It is not going to happen in future. शाहरुख खान ने चालीस करोड़ इतने चालू मंद की इंडिया ने विश्व शाहरुख खान वाला दिल्ली। आज SRK के दौरान किसी ऐसे ही नफरती चिंटू ने SRK से सीधा पूछा कि जवान के एडवांस बुकिंग में कितना रियल है और कितना फेक, और खुद SRK ने कह दिया कि सोशल मीडिया वालों की तरह नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिव बात करो, प्यार फैलाओ। और इसलिए आज की तारीख में 35 ईयर्स से ये बंदा सुपरस्टार है। अरे ये बंदे को मूवी हिट कराने के लिए हेट, प्रोपेगेंडा या टैक्स फ्री स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मूवी में SRK का होना और मूवी में प्यार और दमदार कंटेंट ही काफी है। गदर 2 के नफरती फैंस तो गदर 2 को ब्लॉकबस्टर मानते हैं, लेकिन दूसरे मूवीज को कहते हैं फेक बुकिंग। कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो सामने लाओ। जिस तरह गदर 2 एक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है इंडिया में, वी ऑल अप्रिशिएटेड एज अ मूवी लवर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे फिल्में जिसमें कोई खान एक्टर हो तो उनके बारे में आप नेगेटिव बात करो। 30+ ईयर्स से लगातार SRK बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी एक ही किंग है, और वो है शाहरुख खान। हेट के दम पर तो काफी मूवीज इंडिया में चल जाती है, लेकिन बाहर मूवी को घंटा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ देखिए गदर 2 की सक्सेस पार्टी में शाहरुख खान खुद गए वहाँ, और देखिए पूरा सपोर्ट दिखाया। इतना ही नहीं, सलमान खान, आमिर खान ने भी पूरा सपोर्ट दिखाया। आज तक इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं इन तीनों खान्स ने, पर कभी भी इन्होंने नफरत या हेट का सपोर्ट नहीं लिया है। इसलिए इन खान्स का स्टार्डम है और दुनिया में हर एक कोने में इनके फैंस हैं। इनफैक्ट गदर 2 के मेकर्स ने भी कहा है कि वो जवान को फर्स्ट डे देखेंगे। मैं जवान का ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं शाहरुख का फैन हूँ। तो फिर ये गधे जो नफरती चिंटू है, पता नहीं इनको क्यों इतना नफरत फैलाना है। गाइस, पठान का एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इन अराउंड 48 आवर्स 14 करोड़+ एडवांस बुकिंग हो गया है, विद मोर देन 4.60 लाख+ ऑलरेडी टिकट सोल्ड हो गया है इन ऑल फॉर्मेट। ये तो तय है कि पठान का 57 करोड़+ का रिकॉर्ड टूटने वाला है, और क्या जवान 70 करोड़ करता है या 80 करोड़+ करता है ये देखना बाकी है। एक बात और बता दूं कि पठान का फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग था 31 करोड़, और जवान इजीली टच करेगा 40 करोड़+। अभी 5 और 6 सितंबर को एक बड़ा भूकंप आएगा जवान के एडवांस बुकिंग में, जिसे देखकर सब हिल जाएंगे। ये वीडियो के ऊपर आपका कमेंट मुझे जरूर बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस नफरती चिंटू नफरत को भुलाकर प्यार करना सीखे। इस वीडियो को भी थोड़ा प्यार दिखाएं, प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।